अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद की विशेज़। मैं जा रही थी बाहर अपनी फैमिली के साथ, हम घूमने के लिए हमने कहा थोड़ी आउटिंग कर लें, तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स को भी याद रखूं और उनको भी ईद मुबारक कह दूं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक छोटा सा टूर है लेकिन आई वॉन्ट कि मैं शेयर करूँ आपके साथ। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। कितना प्यारा व्यू है, ये बचवासी का एरिया है और बहुत ही खूबसूरत दरख्त है और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी होती है और हम अक्सर यहाँ पे विज़िट किया करते हैं क्योंकि बहुत ही पीसफुल सी जगह है। आप आराम से बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और मेरी पर्सनली ये बहुत ही फेवरेट जगह है। आप देख सकते हैं, व्यू देखिए, और यहाँ पर ये चीड़ के दरख्त हैं ताहद नज़र और बहुत ही अच्छी और सेहत बख्श हवा होती है यहाँ पर। तो यहाँ हम रुके हैं कुछ देर, हम यहाँ पे स्टे करेंगे, देन हम आगे चलेंगे। ओ खरे किन्नी वार सीने विच खुबियां, सुरमे दे विच दोवें अखां डुबियां, किन्नी सोहनी लगे जदों चुप कर जे, जांदी जांदी शामां नूं वी तुप कर जे। हाए मैं पाऊं फर मैशी रंग तेरे सोनिए, उंज बहुता गिफ्टी शकीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढ़े उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। ये व्यू देखिए, अभी हम जिस जगह पे हैं इसको हम कहते हैं गढ़ी हबीबुल्ला। ये है डिस्ट्रिक्ट मानसरा और तहसील बालाकोट में आता है और यहाँ करीब में ही दरियाए कुनहार है जो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह से वीडियो में। इसके बिल्कुल पीछे है ये, इसके जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये घर नज़र आ रहे ना, वो पहाड़ है जो सामने, उसके नीचे और इनके दरमियान में हमारे पास दरियाए कुनहार है और बहुत ही ठंडा और अच्छा पानी होता है और कहते हैं कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है दरियाए कुनहार का पानी। अगर इन्फेक्शन हो आपको, आप इससे वॉश करें तो आपकी आँखें ठीक हो जाती हैं, ऐसा सुनने में आया है, मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है। और आगे चलते हैं, हम आपको दरिया का व्यू भी दिखाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत एरिया है ये, कितना कुशादा और ग्रीनरी से भरा हुआ, आँखों को ठंडक देने वाला। तो फ्रेंड्स चलें आगे चलते हैं। ये जो है ना गढ़ी हबीबुल्ला है, गढ़ी हबीबुल्ला का शहजाद को बाप है और ये दरियाए कुनहार के साथ साथ में है। तो गाइस ये देखिए, मैं आपको बताना भूल गई थी, अभी बता देती हूँ कि गढ़ी हबीबुल्ला जो है अपने सबसे ज़्यादा मशहूर है कबाब के लिए। यहाँ का कबाब बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, बहुत फेमस भी है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और इर्द गिर्द के इलाकों में। तो अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर ट्राई करें। और हमने भी कबाब लिया था यहाँ से, बहुत ही टेस्टी, अच्छा, और आप अपनी मर्ज़ी से मिर्च मसाला डलवा सकते हैं, ये स्पेशलिटी है और टेस्टी भी बहुत होता है।
तो हमने भी कबाब, ऑब्वियसली हम आए थे तो हमने खाया, हमने कहा कि हमें खाना चाहिए तो हमने भी कबाब ऑर्डर किया। और ये आप देख सकते हैं कि अब सर्व हो चुका है कबाब। ये रहा हमारा कबाब, देखिए कितना प्यारा कलर है और बहुत ही टेस्टी कबाब था ये। गर्मा गर्म तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई सजेस्ट। देन आप देख सकते हैं ये चटनी के साथ सर्व किया जाता है, टमाटर हरी मिर्च और चटनी के साथ। देन कुछ चीज़ें मैंने घर से तैयार की थी लंच के लिए, चिकन कढ़ाई मैंने बनाई थी अपने घर वालों के लिए स्पेशली अच्छे से करके। और ये हमारे पास रायता है और इमली के पानी वाला चाट मैंने बनाया था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। सो दिस इज़ द रिवर कुन्हार, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम इसका व्यू आपको दिखाएंगे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नैनसुख। नैनसुख जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आँखों के लिए इसका पानी अच्छा है। सो इस वजह से इसको किसी अकबर के किसी फैमिली मेम्बर ने, जब उसकी आँखें दुख रही थी, उनने अपनी आँखें वॉश की थी और उसकी आँखें अच्छी हो गई थी, ठीक हो गई थी, तो उसने इसका नाम रखा था नैनसुख। सो ये रिवर जो है 166 किलोमीटर लॉन्ग है और ये ऑरिजिनेट होता है लूलूसर टॉप से। लूलूसर इसका सोर्स है और देन ये आगे जाता है इंडस रिवर बेसिन में। सो ये है, आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा व्यू है इसका। इतनी मज़ेदार और प्यारी हवा होती है यहाँ पे जब भी आप बैठें, और बहुत ही खामोशी और सुकून वाला माहौल होता है इधर। उस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ ये आगे निकल जाता है और ये गढ़ी हबीबुल्लाह का मेन एरिया है, मेन बाज़ार के करीब है, और यहीं से आगे हम कश्मीर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो उस तरफ आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उधर से काफ़ी आगे जाके हम आज़ाद कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं, तो ये उस तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से पीने के लिए पानी भर रहे हैं, ये चश्मे का पानी है जिस जगह नेचुरली आता है। और ये जगह जो है इसको हम कहते हैं, इसका नाम है डमगला। सो आप देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है और बहुत अच्छी सी प्यारी सी हवा है और मौसम मौसम तो बहुत ही प्यारा है। सो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से चश्मे का पानी आता है जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हम आएंगे, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपके लिए एक नई अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और आपको मेरी वीडियो, मेरी आज का व्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। छेती छेती लावा तेरे नाल लेनिया, समय दा ता पूरा भी यकीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोडे उत्ते सिर रखे आ, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना।